हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है पर जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आज टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम अपडेट देने वाले स्ट्रीम स्टैम्प का, न्यून टेट्रा स्टैम्प का या ज़ेब्रा डॉनियो स्टैम्प, तीनों कह सकते हो, प्लैनेट टैंक का भी कह सकते हो, चारों एक ही कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर प्लैनेट्स भी हैं, ज़ेब्रा डॉनियो भी है, न्यून टेट्रास भी हैं और श्रिम्प भी हैं। ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास टैंक है, जितने भी हमारे पास टैंक्स हैं, टोटल 11 टैंक है घर के अंदर, उसमें ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास टैंक है जो मैंने 2400 रुपीज़ में लिया था। मैंने काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक मैं यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास बोलने को एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है, लेकिन मुझे उतना अच्छा खास लगा नहीं, क्योंकि ये वाटर को फॉगी दिखाता है। देखिए, यहाँ पर नॉर्मल टैंक है, विदाउट लाइटिंग, विद लाइटिंग भी नॉर्मल पानी को नॉर्मली दिखाता है, लेकिन ये क्या करता है, फॉगी टेप दिखाता है। पता नहीं क्यों ऐसा, इससे क्या इशू है। नॉर्मल पानी अच्छा ही है, अगर हम हाथ में देते हैं तो पानी क्लीन और क्लियर है, लेकिन यहाँ से सामने से देखते हैं तो ग्लास भी क्लीन है, ऐसा कि ग्लास क्लीन नहीं है, ग्लास भी क्लीन लेकिन फॉगी दिखाता है। मुझे पता नहीं क्या इश्यू है इसका, हो सकता है टैंक का कोई मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम हो या चाइना का ब्रांड है पहले ही, तो कुछ ना कुछ इश्यू हुआ होगा, लेकिन मुझे उतना खास नहीं लगा। एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास नॉर्मल टैंक ही काफ़ी अच्छा लगा। एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं 5 फीट 6 फीट में, उसमें अच्छे लगते हैं, छोटे टैंक में शायद कुछ ना कुछ इश्यू हुआ होगा। और यहाँ पर लाइटिंग भी कम पड़ रही है, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि लाइटिंग कम पड़ने की वजह से, क्योंकि डकवीट प्लांट सारे भर दिए इसके अंदर, जैसे डकवीट प्लांट्स हैं, स्टोरोजेंस हैं, स्टोरोजेंस बहुत सारे मैंने डाला था लेकिन ये निकल गए क्योंकि ग्रेवल कम होने की वजह से उसकी भी कम है। और यहाँ पर हेयर ग्रास है, अनुबेस वेराइटी है, कोबम्बा है, लिली प्लांट्स हैं और थोड़े रॉक्स लगे हुए हैं। और इसमें मैंने जंगल थीम बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने खुद अक्वास्केप किया, अक्वास्केप नहीं कर सेटअप कह सकते, उसमें मैंने खुद किया था। ये जंगल थीम बनाने की कोशिश की है, जैसा जंगल में एक थीम होता है, प्लांट्स होते हैं, एक ड्रिफ्टवुड होता है और साथ में रॉक्स होते हैं, उस तरह बनाने की कोशिश की। और यहाँ पर जैसा आपने बताया, मैंने श्रिम्प्स ला कर डाला था, 8 श्रिम्प्स थे जब स्टार्टिंग लेके आया था, ब्लू कलर, गोल्ड कलर, येलो और रेड, 4 लग रहा था। 4 में अभी ब्लू तो वानिश हुई है, पता नहीं क्या हो गया उनका, बाकी गोल्ड और येलो तो हैं और रेड बहुत ज़्यादा है। 8 लाके डाला था, अभी शायद 200+ श्रिम्स है। हाँ, 8 लाके डाला था, ये ब्रीड करते करते मैनिपुलेट होते जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन होते होते अभी 200+ श्रिम्स है। अभी यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ इतने साइज में आपको 50+ श्रिम्स आपको देखने मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर है अलग अलग ब्रीड है, ब्लू और रेड दोनों मिलकर श्रिम्प ब्रीड की थी, उस टाइम पे अलग वेरायटी निकल के आएगी, मुझे पता नहीं सर नाम क्या है, अलग अलग कोई नए वेरियंट निकल के आए हैं और काफ़ी हार्डी हैं ये, विदाउट लाइट, लो CO2 प्लांट्स, लो और कह सकते हो लो लाइट, लो CO2 प्लांट्स है, हार्डी प्लांट्स कह सकते हो। इसे मैंने कभी भी CO2 सप्लाई नहीं दिया है, आपको सब पता है, जितना मैंने टैंक सेटअप करके 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, तकरीबन 1 साल हो रहा है, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, 1 साल से ज़्यादा करीब कुछ हो रहा है, मैंने अभी तक CO2 सप्लाई नहीं दिया, फिर भी प्लांट्स पूरे के पूरे सर्वाइव कर रहे हैं। ये प्लांट देखिए, ये भी सर्वाइव कर रहा है, सारे जितने प्लांट्स हैं पूरे सर्वाइव कर रहे हैं। ये थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस मैंने डाला था लेकिन ये निकल गए, मैंने उसको भी निकाल के यहाँ पर अभी भी घूम रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर ये ब्रीड नहीं हो पाई जिसकी वजह से। बाकी न्यू डेटा भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इसमें आपने देखा था CMS एलिगेटर फिश डाला था मैंने, उसको निकाल दिया, निकाल के थोड़े दिन के लिए मैंने शिले टाइम में रखा था, फिर उसमें मैंने एक्वेरियम शॉप को रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो क्या कर रहा था, CMS एलिगेटर काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, श्रिम्प्स को खा रही थी, श्रिम्प्स को अटैक कर रही थी, श्रिम्प को बुलिंग कर रही थी, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। आपको लास्ट वीडियो में शायद अपडेट दिया था मैंने उसके बारे में। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर दिखाने वाला एक थर्मोमीटर है, इसमें कभी भी 26 टेम्परेचर रहता है। और इसमें मैंने फिल्ट्रेशन सिस्टम, पानी क्लीन करने के लिए हैंग ऑन बैक फिल्टर लगाया, जो भी फिलहाल मैंने बंद किया है, क्योंकि फिल्टर के साउंड से क्या होता है, कभी कभी साउंड क्लियर नहीं दिख पाता है, हम और आप जो बात कर रहे हैं, जो आपको कम्युनिकेशन चाहिए उसमें कभी ना कहीं एक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको बंद किया हुआ है। हालांकि 12 घंटे ही हम चालू करते हैं, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, क्योंकि न्यू टेट्रा, ज़ेब्रा डॉनियोस, श्रिम्प्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत नहीं है। अगर प्लांट्स लाइव प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, पानी का ऑक्सीजन सप्लाई काफ़ी है, एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। अगर एक्स्ट्रा दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ। 12 घंटे दिन में ये अन करते, रात में बंद कर देते हैं, क्योंकि आप सबको बताया हर वीडियो में कहता हूँ, रात में हम लोग सोते हैं, सुकून से नींद आना, इसलिए हम लोग रात में फिल्टर जो है बंद कर देते हैं। बाकी लाइटिंग 8-10 घंटे ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट लाइटिंग ये प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर लाइटिंग ना हो तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, येलोइश होकर मर जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे या ब्लैक होके चले जाएंगे। ज़्यादा ओवर लाइटिंग नहीं चाहिए, ज़्यादा ओवर टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तब भी प्लांट्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने टेम्परेचर इसके अंदर रखा ही नहीं है, हीटर ही नहीं है, अभी तक मैंने इसके अंदर हीटर इंस्टॉल ही नहीं किया। लो CO2 सेटअप, लो बजट सेटअप टैंक है, क्योंकि हमारा जितना बजट था उसके हिसाब से हम लोग टैंक बनाते हैं, हम मिडिल क्लास हैं आपको पता है, तो उसके हिसाब से मैंने टैंक सेटअप किया, वरना हाई क्लास सेटअप भी हम आने वाले दिनों में फ्यूचर में बनाएंगे अगर मौका मिलेगा तो। यहाँ पर एक स्पेस खाली है, इसको हम मूव कर सकते हैं, यहाँ पर एक आने वाले दिनों में हम मरीन टैंक जो नैनो क्यूब होता है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कब रखेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको अपडेट मिल जाएंगे। अभी फिलहाल ये श्रिम्प टैंक का अपडेट था,
8 से लेकर मल्टीप्लाई होकर 200 प्लस स्ट्रीम्स हैं। न्यू टेट्रास जैसा लाके डाला था 6 भी वही ऐसे ही। जेब्रा रॉमियस दो मैंने डाले थे, वो जेब्रा रॉमियस का आपको स्टोरी पता है। हमारे यहाँ पर एक नेबर से जिनके पास बॉल था, बॉल टूट गया था जिसकी वजह से उनके पास रखने के लिए जगह नहीं थी, तो उन्होंने हमें दे दिया था। उसमें से हमने पहले मैंने शेर गप्पी टैंक में रखा था, तो गप्पी टैंक के बच्चों को खाने लगे थे, तो इसलिए मैंने उसको निकाल के भी यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से थ्रीव कर रहे हैं, जी रहे हैं, वो श्रिम्स को भी हर्ट नहीं करते हैं, न्यू टेट्रास को भी हर्ट नहीं करते, आराम से जी रहे। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे श्रिम्स कितने छोटे, बड़ी श्रिम्स अभी भी इतने इतने श्रिम्स हैं कि मैं आपको कैमरे में कैप्चर करके दिखा नहीं पा रहा हूँ। छोटे छोटे श्रिम्स हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई होते ही रहते हैं। और इनको फीड क्या देते हैं, अभी इम्पोर्टेंट है फीड। जैसा आपने बताया था कि स्टिक टाइप फूड आता है, यहाँ पर देखिए अभी भी स्टिक पड़ा हुआ है, स्टिक टाइप फूड आता है, हफ्ते में एक बार मैं उनको दे देता हूँ। बाकी टाइम पे जितना आलगी बन रहा वही खाते हैं, श्रिम्स को अलग से फीड देने की जरूरत नहीं है। जितना आलगी अगर बन रहा है टैंक के अंदर वही काफ़ी है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ आलगी खाकर ही जीते हैं, आलगी ही उनकी लाइफ है। इसलिए मोस्ट ग्रास या लाइफ प्लांट डालोगे तो उसके अंदर आलगी बनता है, वो खाकर उसको क्लीन करते करते ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो फिर मैंने महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार क्या करता हूँ, जो स्टिक फूड आता है वो डालता हूँ, या सिंकिंग पैलेट्स, सिंकिंग टैबलेट्स, अलग अलग फूड है मेरे पास, वो डाल देता हूँ। आने वाले दिनों में आपको एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि फीडिंग हॉल में पेट्स फिश करके, उसमें आपको दिखाऊंगा क्या क्या फिश फीड करता हूँ मैं। और इनके लिए मैं स्मॉल पैलेट जो अपने गप्पीज को फीड करता हूँ वही इनके लिए भी फीड करता हूँ। जेब्रा रॉमियस भी आकर खा लेती है, न्यूट्रास भी आकर खा लेते हैं, कभी कभी एनिटल फूड जाकर नीचे पड़ता है तो उसको श्रिम्प भी च्यू करके आराम से खा लेते हैं। और इसके रेगुलर बेसिस के लिए मेंटेनेंस के लिए हफ्ते में 25% पानी चेंज करता हूँ। और हीटर तो नहीं है, ग्रेवल तो अब तक मैंने साफ नहीं किया, क्योंकि अगर ग्रेवल साफ करूंगा तो श्रिम्प छोटे छोटे हैं पूरे आ जाएंगे, इसलिए मैं ग्रेवल को टच ही नहीं किया। आज तक मैंने ग्रेवल क्लीन ही नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया, जिसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर फॉगी टेप या गंदगी जैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं क्लीन नहीं कर सकता, कुछ कर भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्लीन करूंगा तो श्रिम्प पूरे आ जाएंगे और ये प्लानेट टाइम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए फिल्टर रन कर देता हूँ और हफ्ते में 25% पानी चेंज कर देता हूँ। 8 घंटे बिजली जो एलईडी चलती रहती है। तो इसका सिंपल अपडेट था कि काफ़ी अच्छे से प्लांट भी ग्रो कर रहे हैं, श्रिम भी ग्रो कर रहे हैं, न्यूट्रेटर्स भी ग्रो कर रहे हैं, और जेब्रा रॉमियस भी ग्रो कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि इसके अंदर आप एंजल फिश लाकर डालो, तो वही एंजल फिश नहीं डाल सकता, क्योंकि एंजल फिश अगर आएगी तो श्रिम्स को खा जाएगी। अगर नैनो अगर अमानो श्रिम्स है, अमानो श्रिम्स रहते तब मैं एंजल फिश डालता, तब कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अमानो श्रिम्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, या गोश्त श्रिम्स डालता काफ़ी बड़े हो जाते हैं तब उनके साथ रख सकते हैं, लेकिन ये छोटे श्रिम्स ज़्यादा एंजल फिश नहीं डाल सकते, उनको खा जाएगी। तो अभी फिलहाल इसके अंदर कोई भी फिश ऐड करने का प्लानिंग तो नहीं है। आने वाले मैं सोच रहा हूँ कि आजकल वेल टेल जेब्रा रॉमियस आ रहे हैं जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, वो ब्रीड डालने की कोशिश करूँगा। वीडियो डेटास भी नहीं डाल सकते, कलरफुल वीडियो डेटास डालेंगे तो वो भी श्रिम्स को खा जाएंगे और न्यू डेटास को अटैक कर सकते हैं। चाहता हूँ दूसरे मोटर मिनियोस या इस तरह के जो पीसफुल कम्युनिटी के टैंक्स होते हैं वो डाल सकते हैं, और देखते हैं फ्यूचर में कैसा होता है। आने वाले दिनों में आपको अपडेट उसके लिए मिल जाएंगे। ये सिंपल अपडेट था गप्पी टैंक का, श्रिम्प टैंक का, और प्लैनेट टैंक का, एक्स्ट्रा क्लेवर टैंक का, न्यू टेट्रास टैंक का, जेब्रा टैंक, जो भी आप कहो, टोटल वन एंड ओनली 4-5 एक ही कॉम्बिनेशन बच जाता है इसके अंदर, वो अपडेट था। तो ये अपडेट कैसा लगा आपको जरूर बताना। आई होप आने वाले दिनों में इस तरह के बहुत सारे अपडेट आते रहेंगे, वन बाई वन अपडेट मैं ला रहा हूँ अपने चैनल पे। तो ये अपडेट सीरीज आपको कैसे लग रही जरूर बताना। आई नो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका फुल होम टूर बताओ, आपके पूरे पेट्स, अपने टैंक जितने भी सारे बताओ, तो भी आने वाले दिनों में एक दिन अपडेट देने की कोशिश करूंगा। आज का टॉपिक यही है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये टॉपिक कैसा लगा जरूर बताना। अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।